अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन फिर आज दो दिन बाद कर रही हूँ। लेकिन खैर आस्ता आस्ता जो है मेरी रूटीन बन जाएगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉग जो है आप लोग के साथ शेयर किया करूँगी। तो आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन तो जो शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं आपके साथ एक टॉपिक पर बात करूँगी कि जब मेरी थर्ड बेटी हुई थी तो मेरे ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था। अच्छा, इस टॉपिक पे जो है बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे माशरे में जो है वो बेटी को कम और बेटे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इवन कि आजकल के दौर में बेटी और बेटा जो है वो बराबर हैं। बस बेटियों की किस्मत से डर लगता है, लेकिन किस्मत देखी जाए तो बेटों की भी होती है। बेटी अल्लाह की दी हुई रहमत है, लेकिन कुछ लोग इस रहमत को जो है वो जहमत समझते हैं, और बेटों को जो है वो नेमत, बेटे नेमत होते हैं और बेटियाँ रहमत होती हैं, लेकिन बेटे नेमत जो है वो उसको बड़ी खुशकिस्मती समझते हैं कि भाई हमारे घर बेटे हुए हैं, ये वो बड़े हो गए, बेशक वो निकम्मे निकले जो मर्जी निकले, लेकिन बेटी होने पे कुछ लोगों के घर में बड़ा शौक बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जब मेरी थर्ड बेटी हुई तो हमारे घर में कैसा माहौल था, मेरे ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि बेटियों की किस्मत से डर लगता है। बेटियों की किस्मत तो होती है, लेकिन बेटों की भी तो किस्मत होती है ना। बेटों की भी किस्मत होती है, बेटियों की भी किस्मत होती है, लेकिन हम लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं समझते। हम कहते हैं बस बेटियों की किस्मत होती है। अल्लाह ताला दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेटियों की भी किस्मत अच्छी करे और बेटों की भी किस्मत अच्छी करे। अच्छा, बेटियां जो है ना वो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं। माँ बाप तो अपने बेटों से भी प्यार करता है, अपनी बेटियों से भी प्यार करता है, लेकिन जो बेटियां होती हैं ना वो माँ बाप के साथ प्यार तो करती हैं, लेकिन माँ बाप का एहसास बहुत ज़्यादा करती हैं। कमेंट में मुझे बहुत सारे लोग आगे कहेंगे कि बेटे भी जो है वो माँ बाप का एहसास करते हैं। बेटे भी एहसास करते हैं, लेकिन बेटियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहसास करती हैं माँ बाप का। अच्छा, आप लोगों के साथ तो मैं ये शेयर करने लगी थी कि मेरी थर्ड बेटी जब हुई तो मेरे ससुराल वालों का और दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन था। तो मैं बातें पता नहीं किधर की ले गई थी। अच्छा, जब मेरी थर्ड बेटी होने वाली थी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मुझे बहुत सारे लोगों ने भी कहा और मेरे फैमिली में से भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई तीसरी प्रेगनेंसी है, कुछ मेडिसिन खानी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि बेटा पैदा हो। तो मैंने भी लोगों की बातों में आके जो है ना मैंने मेडिसिन मैंने खाई। कोई हमारे गाँव में जो है वो आंटी कोई मेडिसिन देती थी, तो वो मैंने मेडिसिन खाई। तकरीबन एक हफ्ता शायद खानी थी या वो, लेकिन वो उन्होंने पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया, वो वजीफ़ा भी मैं करती थी, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो होना था। हम इंसान के बस में हो ना तो वो हम पता नहीं क्या से क्या कर दें दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहते हैं ना वही होता है। लेकिन इंसान को जो है ना वो आस्ता आस्ता समझ आती है, लेकिन एकदम तो कोई भी सीखा सिखाया इस दुनिया में नहीं आया होता। जैसे जैसे लाइफ गुजरती है, एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, वैसे वैसे इंसान को जो है वो अक्ल भी आ जाती है, वैसे वैसे बहुत इंसान समझदार हो जाता है। फिर तकरीबन 8 मंथ में जो है वो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने फिर मुझे रहमत देनी है। मैं थोड़ी सी डिसहार्ट हो गई कि भाई मैंने तो मेडिसिन भी खाई थी, मैंने वजीफे भी किए थे, कुछ छोटी उम्र थी, कम अकली थी, तो बस मुझे एकदम रोना आ गया जब डॉक्टर ने मुझे बताया ना। लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो मेरे साथ थी, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया। और जब आपकी फैमिली वाले आपको अप्रिशिएट करने वाले हों ना, तो फिर आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है। तो फिर मतलब मैंने तो फील किया, लेकिन मेरी फैमिली में से किसी ने भी फील नहीं किया, बल्कि मुझे जो दोबारा मेरी पहले दो बेटियाँ हुई थी उससे ज़्यादा मेरी केयर की, उससे ज़्यादा मेरा ख्याल रखा। अच्छा, मैंने ना कुछ लोगों के हस्बैंड ही मैंने देखे हैं कि वो बड़ा एतराज़ करते हैं कि भाई बीवी की वजह से बेटियाँ होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कम अकली है लोगों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर जो हैं वो अपने आप को बहुत लकी फ़ील करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 3 बेटियां दी हुई हैं। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को फ़ील नहीं किया कि हमारी 3 बेटियां, बल्कि वो मुझे समझाते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई रहमतें हैं, इनसे हम जितना प्यार करेंगे, और अगर बेटियों की किस्मत से ही अल्लाह ताला हमें सब कुछ दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं अपनी बात करूँ ना तो हम भी जो है ना 3 बहनें हैं, लेकिन मुझे कभी भी लाइफ में फ़ील नहीं हुआ कि मेरा भाई होना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई हुई है, और कभी कभी मेरा दिल करता है कि काश मेरा कोई भाई होता, वो कभी मुझे मिलने आता, कभी मेरे बच्चों को मिलने आता, बच्चों से प्यार करता, और बहुत सारे जहन में जो है वैसे ख्यालात जो आते रहते हैं। तो अल्लाह दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जिनके भाई नहीं अल्लाह ताला उन्हें भाई दें, जिनकी बहनें नहीं अल्लाह ताला उन्हें बहनें दें, अल्लाह ताला जिन जो बेऔलाद अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो आप लोगों ने मेरी बातें बड़ी गौर से सुन ली हैं और पूरी रूटीन भी मेरी देख ली, अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आप लोगों ने ना मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं किस तरह की वीडियोस जो है अपलोड करूं, क्योंकि मुझे कंटेंट समझ ही नहीं आता कि मैं किस तरह की वीडियो अपलोड किया करूं। डेली रूटीन देख देख के भी लोग जो है ना वो बोर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।